तो सामने की तरफ एक एनिमी था, मैंने उसके ऊपर मोली डाली ताकि वो जल जाए, और वो सक्सेसफुली जल भी गया। लेकिन ये आग कैसे लगी इसको, अगर आपको ये जानना है तो ये पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, देखिएगा जरूर। तो अभी मैं यहाँ पर आया था फ्लेयर ड्रॉप पर डाका डालने के लिए, और मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। नहीं तेरे को रिचार्ज में करता हूँ भाई, क्या है तेरे को। हाँ तो अब मैं दूसरी जगह पे आ गया, मेरे पे एक बंदे ने रश किया, फाइनली मार ही दिया इसको। अब सामने वाले घर में जो है एक बंदा कैम करके बैठा था, मैंने उसके ऊपर मोली फेंकी, सारा ग्रेनेड वो सारी मोली वगैरह मैंने फेंकी, कुछ असर नहीं हुआ। उल्टा वो मोली उसने भी मेरे पे फेंकी, जिसका मेरे पे ज़्यादा कुछ असर पड़ा नहीं, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ा ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि कहाँ से जाऊँ, रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, एनिमी को तो मारना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपना दूसरा रास्ता बना दिया। इसने मेरे पे मारने की कोशिश भी नहीं की, इसका मतलब ये पक्का कैंपर है। अगर आपको कहीं पे बंदा स्पॉट होता है और वो आप पर फायर नहीं करता तो वो पक्का कैंपर है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब ये सोच रहा होगा इसको मारूँगा, पर इसको मैंने मार दिया। ये भी सोच रहा होगा मारा कैसे भाई, कहाँ से आया। तो अब इसको लूटने के बाद एक और बंदा आता है, ये बंदा था या बॉट, बॉट आई थिंक ही होगा। अब यहाँ पर एक बॉट को मारने के लिए मैंने क्या स्टाइल में उतरा हूँ मैं, पहली बार स्प्रे चूक गया लेकिन बाद में स्प्रे लग गया। अब ये एक और मैच, अब यहाँ पर USS से एक बंदे को मैंने नॉक दिया और उसको फिनिश भी कर दिया। अब ये बॉट था, बंदा था कुछ मालूम नहीं, मैंने अपना बंदा समझ के इसको इसकी क्लिप डाल दी। अब यहाँ पर मैं आया था, यहाँ एक तरफ बंदा बैठा था, उसके पट्ट से बजा दिया। अब एक बंदा भाग रहा था तो उसको भी रसम दे ही दिया। गेम में ज़्यादा खेलता नहीं था, ये पुरानी तो पुरानी मतलब ज़्यादा भी पुरानी नहीं है, हाल ही की क्लिप में भाई, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैंने बीच में गेम खेलना बंद कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक किया, अब इसका एक और बंदा ऊपर बैठा हुआ था, तो मैं चुपके से यहाँ पर जाता हूँ। वो चाहता तो मेरे को मार सकता था, लेकिन अपने टीममेट को रिवाइव करने गया और टीममेट के साथ साथ खुद भी रिवाइव का भूखा हो गया। मेरे को फोकट में 2 किल मिल गया। अब इधर एक बंदा था जो हमको देख के डर के भाग गया, अब पता नहीं वो कहाँ पे था, हमको मिला नहीं, इसलिए हम यहाँ पर आ गए ऊपर चढ़ने के लिए। अब हम यहाँ से सीधा ऊपर वाले उस पिरामिड पे चढ़ते हैं ताकि कुछ लूट कर सके, लेकिन बंदे थे भाई साहब, अब इनका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। इसलिए हम छुपते छुपाते पहले तो थोड़ी सी लूट वूट की, क्योंकि हमको अपना बैकपैक भी भरना है। मैंने सीधा बैरल उठा ली क्योंकि आमो भी कम थी, जो उठा ली वो मैं भूल गया। अब मैंने यहाँ से चढ़ने की कोशिश की लेकिन यहाँ से चढ़ नहीं पाया, इसलिए सीधा सामने से गया, मतलब सीधा ऐसे नहीं गया, मेरे को लगा सामने कोई बंदा होगा तो मार देगा, इसलिए मैं थोड़ा चुप चुप के गया, लेकिन कोई था नहीं, जबकि यहाँ पर स्मोक था। मैंने यहाँ से आगे जाने की कोशिश की, मेरे टीममेट ने एक बंदा तब तक नॉक कर दिया। भाई क्या तेरे को जल्दी है, मैंने ऊपर पुश किया तो बाप रे इतने सारे बंदे, ये देख के तो भाई मैं डर गया और सीधा नीचे भाग गया, लेकिन मेरा टीममेट ने एक को नॉक करके खुद नॉक हो गया। अब वो अपना चिल्ला रहा है टीममेट की, भाई रिवाइव दे दे, 2 बंदे नॉक है, वो पुश नहीं करेंगे। तो मैं भी अपना गन को रिलोड करके बैठ गया और इसको रिवाइव भी देने चालू कर दिया। अब उस उन गधों ने नेट कहीं पर ही फेंक दिया। अब मैं यहाँ पर आके इस स्टूडियो का कवर लेता हूँ, इधर स्मोक था तो मेरे को ही अच्छा एडवांटेज था। अब यहाँ पर मैंने एक मोली फेंकने की कोशिश की और एक इस मोली से एक बंदा जल भी जाता है। अब यहाँ पर एक और बंदा जल जाता है, वो कैसे ये क्लच करने के बाद बताता हूँ। अब इधर एक बंदा और था, उजी चला रहा था, तो मैं अंदर जाके उसको घुस के मारता हूँ। इसको मारने के बाद मैं इसके टीममेट को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ग्रेविटी ने बचा लिया, मेरे टीममेट नहीं बच पाया, उसको इसने नॉक कर दिया और मैंने इसको फिनिश कर दिया। अभी देखते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। अभी यहाँ पर देखो, मैंने ये मोली फेंकी इस दरवाजे की तरफ, ठीक है ना, दरवाजे की तरफ जो है मैंने मोली फेंकी है और उससे एक बंदा नॉक हुआ है। असल में हुआ ये कि इसके पीछे एक और बंदा था जिसने अपने टीममेट पे मोली फेंक दी। अब इसके गधे टीममेट की वजह से ये नॉक हो गया और इसका दूसरा टीममेट इसको बचाने आया तो खुद नहीं बच पाया।
अब मैं बाहर जाके इसको जिगर ले रहा हूँ और इसका टीममेट को एक बार जरा देख लो भाई। मेरे को आके मार सकता था, ये मारने के बजाय उधर क्या कर रहा है, ये क्या पकड़ के बैठा है ये, इसलिए मैंने इसको आराम से इधर मार रहा हूँ। एक ही बंदा मेरे पे शूट कर रहा है, दूसरा पता नहीं कि हाथ में पकड़ के क्या फेंका उसने, इसलिए मैंने उसको इधर से मस्त वो कवर में भाग रहा है, उसके बावजूद वो नॉक हो गया। मैं इधर गुरुत्वाकर्षण की वजह से बच गया और मेरा टीममेट नहीं बच पाया, मैंने इसको साइड से मार दिया। इस तरह से हो गया एक स्क्वाड वाइप, वो भी एक फालतू टीममेट की वजह से। अब इधर देखो ऊपर टीममेट ऊपर बंदा बैठा है, वो नेट फेंक रहा है। मैंने बोला भाई तीन नंबर मत जा, उसके बावजूद फट गया। अब मैंने इधर नेट वेट फेंकने की कोशिश की लेकिन उससे कुछ फटा नहीं, लेकिन मेरे टीममेट के नेट से फट गया वो। अभी हम लोग आगे की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी अरे भाई मुझे को नॉक कर दे यार। हमने पूछा भाई तेरे को नॉक क्यों करना है, तो बोलता है कि वो फंस गया है कहीं पर, उसकी वजह से उसको नॉक करना है। मैंने सोचा गाड़ी डाल देता हूँ उससे गेटन बटन दबा के आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पाया, इसलिए मैंने गाड़ी को पीछे मोड़ लिया और मेरे टीममेट ने मस्त ग्रेनेड को कुक करना स्टार्ट किया और कुक करके उसको उड़ा भी दिया। तो मैं उसको उठा के जोन भी आ रहा था, तो जोन में क्या ही रिवाइव दूंगा ये सोच के सीधा इसको वेयरहाउस के अंदर लेके आ गया। अब इस वेयरहाउस के अंदर मेरा टीममेट ने उसको रिवाइव देना स्टार्ट किया। अच्छा हुआ मैंने रिवाइव नहीं दिया, मैं चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। अब यहाँ पर एक और ग्रेनेड आया और फट गया। मैंने किल फील्ड पे नज़र नहीं डाली लेकिन अब पता चला एडिटिंग के टाइम कि मेरे टीममेट ने उड़ाया उसको, मुझे लगा एनिमी ने मारा लेकिन ये एनिमी कैसे मारा मुझे नहीं मालूम। इस मैच में तो मैंने सच में 1v4 ही कर डाला, वो भी एक ही साथ। अब इधर मैं इधर आके बैठ गया और दो बंदे मेरे पे रश करते, एक नहीं दो, मेरे को लगा पहले एक ही लगा था लेकिन एक को मारा उसके पीछे दूसरा है, वो दूसरा भी नॉक। मेरे हम पास एमओ भी कमी थी, मैंने इसको जितनी बची कुची एमओ थी उससे मार दिया और मेरे टीममेट देखो किसी कोई नेट से फट रहा है कोई कुछ और हो रहा है, तो मेरे को लगा इसके पास एमओ होगी लेकिन इसके पास भी एमओ नहीं थी। इससे पहले कि इसके बच्चे कुछ दो टीममेट्स आए मैं पीछे भाग गया और इसको देखो टीपी पे लगा बेटा बेटा टीपी। अब इसका जो आखिरी टीममेट था वो मेरे पे रश कर सकता था क्योंकि मेरे पास एमओ बिल्कुल भी नहीं है, बस 5 ही एमओ है। तो मैं यहाँ पर आराम से इसकी पेटी लूटता हूँ और फट से भागता हूँ इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अगर रिवाइव हो गया तो दोनों मेरे को मारना स्टार्ट कर देंगे, तो मैं यहाँ पर मस्त इनको मारता हूँ। इस तरह से हुआ एक अल्ट्रा नूप का नूप स्क्वाड के ऊपर क्लच। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलूँगा ऐसे किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।